अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी को। आइए देखते हैं कि कंडीशन हमारे पास क्या है। एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 kg, वो ट्रैवल कर रहा है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10^7 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। अब अपनी ट्रैवलिंग के दौरान उसका एक हेड ऑन कोलिजन होता है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, जिसका मास गिवन है जो इनिशियली रेस्ट पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने ज्यूम करना है कि जो कोलिजन है स्टूडेंट्स वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, जिसमें हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। वो जो मोशन है स्टूडेंट्स वो अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ है। यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन आफ्टर कोलिजन। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं उनको लिखते हैं। जो गिवन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आएगी V1I विच इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10^7 मीटर पर सेकेंड। अगली चीज़ है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो रिप्रेजेंट की जाती है V2I से। ये किसके इक्वल है, 0 मीटर पर सेकेंड के, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है वो रेस्ट पर है। फर्दर हमारे पास जो गिवन स्टूडेंट्स वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M1 विच इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 किलोग्राम। इसके अलावा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है हमें, वो कितना है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10^-27 किलोग्राम्स। जो हम लोगों ने फाइंड करना है स्टूडेंट्स वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V2F से। ये हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम के लिए। फार्मूला जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो है V2F इज इक्वल टू 2m1 V1I डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं V2I के साथ। फर्दर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। ये जो फार्मूला है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो डिस्क्राइब्ड या प्रूव्ड फॉर्म है, ये हम लोगों ने वहाँ से लिया। सो अगर हम लोग इस फार्मूले के अंदर सिंपल वैल्यूज को पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय m1 जो हमारे पास मास है वो कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-31। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ v1 वैल्यू के साथ 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10^7। फर्दर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 की वैल्यू के साथ। आफ्टर डिवीजन हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 प्लस 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10^-27। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर लिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ, V2F इज इक्वल टू 36.4 मल्टीप्लाई बाय 10^-24। इसको डिवाइड करेंगे 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10^-4 मल्टीप्लाई बाय 10^-27। इसके अगली टर्म हमारे पास है प्लस में 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10^-27। आगे बढ़ते हैं मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हुए, V2F इज इक्वल टू 36.4 मल्टीप्लाई बाय 10^-24 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवीजन में हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 1.6709 मल्टीप्लाई बाय 10^-27। फर्दर सॉल्व करते हैं, V2F इज इक्वल टू 21.78 मल्टीप्लाई बाय 10^3। फर्दर इसको अगर हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो V2F को हम लोग लिख सकते हैं 2.178 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म है वेलोसिटी की। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने अगेन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से फाइंड किया। थैंक यू।